नमस्कार आम शहर को स्वागत करुछु माधुरी नजर पकाइबा किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे विधानसभा गांधी मूर्ति तले बीजेपी सदस्यों धरना पद मर्यादा हानि तथा शून्य काल रे कहिबाकु सूचक दिया जाय नथिबा दाबी रे बीजेपी धरना देछे। विधानसभा शून्य काल रे प्रधानमंत्री आवास योजना रे अनियमितता प्रसंग उठाइथिला बीजेपी। प्रसंग उठाई सरकार को टार्गेट करथिले विरोधी दल मुख्य सचेतक मोहन माझी। केन्द्रीय योजना को हड़प करा जायथिबा से अभियोग आणिथिले। भोट बैंक पाई नेता व कर्मी को गृह बंटा जाइछि। प्रकृत हिताधिकारी को घर मिलनी। गृह बंटन रे पाथर अंतर करा जाइछि। केंद्रीय टीम पांच जिले रे नौ ब्लॉक छै अनियमितता देखिछते। अनियमितता होइतबा नै राज्य सरकार को केंद्रीय टीम अवगत कराइछते। हेले कार्यानुष्ठान होइले हजार कोटी टंकार दुर्नीति होइतबा कहिले मोहन माझी। गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को नै कहिबा पई अधिक समय मागिले विरोधी दल मुख्य सचेतक। शून्य काल रे कहिबा को अधिक समय न तेपारु विरोधी बीजेपी सदस्यों हो हल्ला करथिले। परे गांधी मूर्ति तले धारणा दे छथि। देखंतु चलित विधानसभा रे सरकार दल एवं बाचस्पति कांग्रेस सहित सलासुत्रा हेकिरी संपूर्ण भाव में मुख्य विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा कुहाई नदबा एवं दुई दुईटी मुलतवी प्रस्ताव को आमर संपूर्ण भाव में आग्रह करिबा अर्थात बाचस्पति गोटे मिनिट्रे विधानसभा बंद करदेबा चारटा पर्यंत एवं आज आम जिते चित्कार कले आमको ना कह दिगला ना विधानसभा से ही अनुसार चारटा पर्यटन बंद है। एणु संपूर्ण भाव में कांग्रेस सरकार बी टीम विजु जनता दल बी टीम काम करवा एवं विरोधी दल को संपूर्ण भाव में आमको सम्मानित न करवा आमको कही न देवा ये गोटे दुर्भाग्यजनक कथा। आम ओडार गरीब लोक मान दारिद्र्य सीमार छात्र जवा लोक न्याय पाइबापी लड़े करुचु। एसएफएस समरंजन मृत्यु मामलें एजाए क्षय खोजि पारुनी क्राइम ब्रांच। विद्या भारती जेरा पर भी सौम्यों मृत्यु पर उठि पारुनी परता। यार भितर डीएफओं ना आसे सांघातिक अभियोग। डीएफओं ना सांघातिक अभियोग आणिले तत्कालीन सुरक्षाकर्मी कहले रात 12:30 रु गोटा भितर डीएफओ एसएफएस सौम्यों बासभवन को जवा मु देखी। तेज सौम्य मृत्यु मामलें डीएफओ मुख्य षड्यंत्रकारी कि एने सृष्टि होती बड़ प्रश्न। इन्हें आम प्रतिनिधि जितेबाला डीएफओ को प्रश्न पचारिथिले से मुह फेर सेपटे सौम्य मृत्यु मामला को नहीं विस्फोरक बयान रखिंटे सौम्यों बापा अफिराम से कहते कटक बड़ डाक्तरखानार डाक्तर विद्या भिणई तेणु भिणई को लगाई सौम्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट एपट सेपट कर मो नाइट ड्यूटी टाइम रे जो विवेक सर जो टाइम रे हम जो नियम अनुसार देखेला सी ड्यूटी मुझे मुझे टाइम रे कहली बरा मु जो बारटा अधे बारटा भितर मुझे देखी थी सी समय मुझे देखी मो नाइट ड्यूटी कौन माने मुझे समय मजा रात घंटे घंटे रात घंटे डीएफओंकर कौन बोले आम जो कलाकानमा तार देख लु मु तो नाइट ड्यूटी वाला मुझ जानी कौन सी कौचे कौन जाऊँचे सी जो आमर सौम्य सारंकर जो बारिपटे घर रेस हो आगे सौम्य सारंकर घर हो पछरे पछरे हूँ घर सी जावास हबार मुझ नाइट ड्यूटी आम विवेक सार जो डीएफ थे बिगली मारे देते सी टाइम मुझे नाइट ड्यूटी आरंभ करी सी टाइम मुझे देख ला बेलू डीएफ सार घर को जाते मुझे सब जाणी हेल्ले सी जाणी खबर शुणिकी डीएफओ से प्रफुल्ल ड्राइवर अजय कही सी सांगा सांगे राति राति रे काढ़ी डीएफओ कर्मचारी समस्त जानते सब डीएफओ डे समे किए कि तेणुक आम जो चार पाँच जन भाई को काढ़ी ये देखने जापार समस्त हाँ समस्त ऑफिस स्टाफ समस्त जानते ऑफिस स्टाफ समस्त जानते खाली साइलेंस अच्छा माने कौन डीएफ बदल सब कह
मन कर डीएफ बदली हो मन कर कौन हो जानी जानी कहीदेवे मन कर ट्रांसफर कोई अर्डर पाइला बेले जानी जानी कहे सब स्टोरी पाकर अच्छी क्लर्क हो किए हो जो कंप्यूटर सेक्शन वाला हो जी हो गार्ड फॉरेस्टर टाउन गार्ड फॉरेस्टर किए हो जो समते टाउन वाला समते जानते डीएफओ एक्सपोर्ट्स डीएफओ गिरफ्तारी एवं डीएफओ को बदली एवं सबुठी दाबी समय जिते गड़ुची कर्मचारी माने मुह खोलिया प्रस्तुत होती सर आपन को नहीं कि अनेक चर्चा आलोचना सर प्रकृत में कौन घटना घटी आप जातु मोर अन्य काम अच्छी जातु मुझे कौन से साक्षात्कार देखा चाहूना प्लीज जातु सर लोक जानक सर चाहते बहुत किसी घटना होती मो आवश्यक भावुनि आपण जानतु मत मोर काम करिया पय दियंतु प्लीज सर अति कम रे जेतु जेतु सर आपण को सर आपण प्लीज मो काम रे मो काम रे बाधा सृष्टि करंतु मत मोर काम करिया पय दियंतु जानतु प्लीज प्लीज आपण जानतु आपण जानतु आपण जानतु मोर सेटा सरकारी काम न मो मो काम करछु मत डिस्टर्ब करंतु नै प्लीज जानतु सरकारी काम नथिला ठीक अछि किंतु प्लीज प्लीज मत मो काम करिया पय दियंतु आपण कैंपस रे गोटे मृत्यु होला ए कथा आपण कहिबे नै सर सेटा किंतु संभव सर मत डिस्टर्ब करंतु नै जानतु जे एफआर देला बेले विद्या भारती रुचा डीएफओ पूरा संपूर्ण विद्या भारती के डीएफओ संग्राम बेरा रे डीएनए टेस्ट करले प्रमाण मिलबो ये पुलिस कोन क्राइम ब्रांच कोन करती एटा तो मंत्री विक्रमारु को पूरा हाती कोटि कोटि टका माने खर्च करती जो विद्या भारती के कटक मेडिकल को आनिबार मुख्य कारण होछि ता भिणै कटक मेडिकल रे डाक्टर के पुष्टमटम रिपोर्ट को से माने एपट सपट करछन्ति मो बो को मारी दबारो विद्या भारती ता बाप मा डीएफओ ममता पंडा एम पूरा संपुक्त केवे भगवान छाड़बनी आम कतर खसी जा पार मंत्री विक्रम आर को कौच कोटि कोटि टाँचा थीपे से मानते न्याय पाखे निश्चित दंड पाइबे पुलिस और क्राइम ब्रांच तदंत को नहीं सांघातिक अभियोग आणिले सौम्य बापा अफिरा महापात्र कहिले सेपे पुलिस पतरकिया छेली खाई फेरी बेले एवं मुढ़ी मंस खाई फेरी क्राइम ब्रांच तदंत उपर भरोसा उठाइले क्राइम ब्रांच एवं क्राइम ब्रांच न्याय दे पारिनी सीबीआई तदंत आवश्यक अंपटे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं प्रश्न उठाई कहिले विद्या भारती भिणोई डाक्तर से पोस्टमार्टम करते भिणोई सौम्य कटक अणाई सौम्य बापा बाबदर अधिक सूचना पाई सहित संतोष सेना रिपोर्टर जोड़े रही संतोष अभियोग लंबा फर्द हेले अभियोग गोटे पटे एवं तदंत आउ गोटे पटे जहां अभियोग आसूँ कहीं सौम्य बापा किसी अभियोग कर तदंत दिगहरा हो क्राइम ब्रांच उपर तर भरोसा तुटी से अभियोग आणुंट देखो निश्चित माधुरी लगातार सौम्यरंजन मृत्यु मामला को नहीं जो भाव में धीरे धीरे ये घटना रहस्य भितर को जाऊँच सबूटी केवल बर्तमान पारला खेमुंडी कि गजपति नेता देखा कलु कंग्रेस नेता को विधान भवन पकड़ाई सांगे सांगे न्यूज होगा मीडिया वाला देदेले ये पर दिन आई सब जान मिश्र आईजी संजीव पंडा से निर्देश दे किए निर्देश दे संजीव पंडा को जान मिश्र को सी प्रकाश करूँ कौन पर आठ दिन तदंत कले आठ दिन बसीगले किए निर्देश दे ये जो कहते सतुरीटा प्रश्न पचार कि सतटा पचार कि आग थर पुलिस जाते अतिरिक्षा खासी मांस खाई आसते ये ये घर भितर छ घंटा रही खास मांस खाइले कि मुढ़ी मांस खाइले आम देखी ना सतटा कि सतुरीटा प्रश्न ये क्राइम ब्रांच उपर भरोसा ना कि पुलिस उपर भरोसा ना कि नवीन पटनायक आशंका क्राइम ब्रांच तदंत करनी मुढ़ी मांस खाई आसी हाँ निश्चित आग थर पुलिस जाते पत्रिका खासी खाई आसते ये क्राइम ब्रांच जो हेटी छः घंटा रही रात आठ पर्यटन कौन करते खाई निश्चय मुढ़ी मांस बारी बजार मुढ़ी मांस प्रसिद्ध आपने शुणुते सौम्य बापा किभली अभियोग आणुच्च तो एठार मोटामोटी उपरि किभली भाव में अभियोग होदंत के दिगे जाता तो आपने देखिपुट पुणि थे संतोष आम रिपोर्टर आम सहित जोड़े रही संतोष जहाँ अभियोग आसूँ कहीं अभियोग लंबा फर्द जोड़ी हो सारा कि गोटे पटे अभियोग हो गोटे पटे तदंत
देखो निश्चित भाव माधुरी लगातार भाव में जो भाई भाव में सौम्यों मृत्यु घटना वर्तमान समय सारा राज्यवासी मनरे वर्तमान एक प्रकार प्रश्न सृष्टि छड़ा कर प्रकृत सौम्य रंजन को न्याय मिल कि नहीं घटना जो क्राइम ब्रांच दिगहरा तदंत कर किदिन पूर्व डीएफओ तापर दीर्घ दिन व्यवधान पर विद्याभारती जेरा करवा कहीं आम समस्त जानते विलंबित तदंत विलंबित न्याय ये सबुति सफलता मिलवा बहुत कष्ट लगातार यही कथ ही सौम्य रंजन बापा माँ उठाऊँच जदि डीएफओ को जेरा कर कहीं विद्याभारती जेरा करा ना डीएफओ जहाँ कहते विद्याभारती 70 प्रश्न पचारत 500 प्रश्न पचारत सामनासामने कहीं करूना जनक प्रश्न शुणी आउ जन उत्तर शुणुंत जनक प्रश्न शुणुंत यार उत्तर शुणुंत आपर कौन निष्कर्ष पाइपर अति कम्रे जेरा हो जाऊ ना सीन रिक्रिएसन आउ थे विद्याभारती गोटे 10 फुट्रे 20 फुट घर गोटे 10x12 घर भितर जो जन जली जाऊँच से जापार ना प्रकृत से जगार कौन करुते किए किए थे यार गोटे सीन रिक्रिएसन कराऊ एक प्रश्न उठाऊँच एभली घटना अनेक कथा सामना को आसापर तत्कालीन जे सुरक्षाकर्मी जे राति जगवाड़ी से मध्य काली विस्फोरक बयान देते गत काली विलंबित राति में जे सौम्य रंजन घर नाला बेले जो सौम्य रंजन नाइट ड्यूटी थे विद्याभारती घर को डीएफओ जाऊार से देखते जानते एक केवल से एका नुहत डीएफओ अनेक कर्मचारी विषय में जानते एक से जाने वाली डीएफओ से चाकर विदा कले केवल ये विद्याभारती कथ नुह काठ बिक्री करवा नहीं बेआईन कार्यकलाप लिप्त रहा और सब कलाकारनामा जो जो मैंने लोकाल लोक जानते से चाकू बाहर कर दिया जाए ये दृढ़ोक्ति दम्भक्ति देखते जदि डीएफओ को बदली कर गिरफ्तार तेल सब सतकथा डीएफओ कर्मचारी डीएफओ कार्यालय जो कर्मचारी अच्छा समस्त एक कहे विद्याभारती सौम्य रंजन महापात्र डीएफओ ये सब घटना संपर्क में पीओन टू नहीं एसीएफ पर्यटन समस्त जानते कितु डीएफओ जेहेतु वरिष्ठ अधिकारी पावरफुल अधिकारी पाखे मंत्री अच्छा जिलापाल अच्छा जिला एसपी अच्छा से विरोध में कई विरोध पार्टी खोलू ना ये बड़ घटना घटला जदि पीसीसीएफ पर्यटन कथ गला बापा माँ नवीन निवास पर्यटन अभियोग ने डीजी पर्यटन अभियोग ने कि आज पर्यटन सामान्य डीएफओ जेहेतु बदलीटे होना लोक मैंने भयभीत होती कर्मचारी मैंने भयभीत होती जो से प्रतिक्रिया रखी पार ना डीएफओ को नहीं अनेक प्रश्न उठू केवल डीएफओं गोटे मोबाइल जी सीडीआर जांच करदे संपृक्ति आसीजो से कथ नुह आजिकल आधुनिक दुनिया में दुनिया व्यवस्था अनेक व्यवस्था अच्छी जो थी जन जन सहित जोड़ हेब से जांच कर नहीं डीएफओ गणमाध्यम को केत व्यवहार खराब कर तो आउ केत प्रतिक्रिया नद पड़ा तो आउ केत चिंकी उठुंत एक पूरा स्पष्ट जो डीएफओं कौटना कौटी संपृक्ति रोचे विद्याभारती अनेक कथा लुचाऊँच जहाँ भी ये कैंपस भितर घटी आपड़ देखुं मो पचर हो कैंपस ये कैंपस भितर जहाँ भी घटी एक डीएफओ जानते विद्याभारती जानते डीएफओं कर्मचारी जानते एजावत ना विद्याभारती कौन प्रकार कथ पालाखेमुंडी पुलिस आगे कहले ना क्राइमब्रांच आगे कहले ना डीएफओ पुलिस आगे कहला ना क्राइमब्रांच आगे कहला जदि कहे कर्मचारी मैंने कहे धीरे धीरे विताड़ी थी कर्मचारी मुह खोल एवं जो मैंने चाकरी अच्छा से कहे कि डीएफओ बदलवा दरकार प्रशासन कथा कहु सरकारी दल कथा कहु ये पूरा व्यवस्था समस्त पूरा लदी पड़े और सौम्य परिवार को न्याय मिलेबनी देखो तो छोटिया छोटिया घटना रे अनेक सरकारी अधिकारी बळि पड़ी बाद पड़ी एक आम समस्त देखी किंतु जेहेतु एटा गोटे मृत्यु घटना एपर्यंत कौनसी प्रकार डीएफओ को फरक पड़ुनी गोटे पर गोटे अभियोग आसूर संपृक्ति आसूची आपत देखु मृत्युकालीन जमानबंदी बेले मजिस्ट्रेट उपस्थित पुलिस उपस्थित जड़े डीएफओ बसवे 95% पड़ जाता गोटे लोकर जमानबंदी रेकर्ड करेंगे एमकेसीजी रेफर कराऊँच एसीबी निजर पोस्टमर्टम रिपोर्ट भूल आसो जाणीशु कि नाइट ड्यूटी पकई घर भितर को जीवन धर्मपत्नी थी समय एवं जाणीशुणी अनेक अत्याचार करवा जो से बदलवा चाहूल एमती अनेक अभोग आसापर भी बदली होना माने एक आमको बुझाक पड़ो जो बड़ बड़िया हाथ रही खोद मंत्री आशीर्वाद डीएफओ रही जो कहीं भी विरोध में हाथ मारे साहस जुटे पार ना माधुरी तो ये साहस केमी जुटब जिते बड़े कि पूरा प्रशासन पूरा न्यायिक व्यवस्था जिते बड़े सपक्ष में जाऊँ तो लोक को न्याय मिल कि गोटे बड़ प्रश्न आसूस संतोष देखो पालाखेमुंडी पुलिस प्रथम तदंत कला आप देखूँ सौम्यों घर भितर को डीआईजी एसपी
ତାଙ୍କ ସହିତ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ SDPO ଏବଂ ଆଡିସନାଲ SP ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବି ମନ ବୁଝିଲାନି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ବୁଲିଛି। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘର ଭିତରେ ଜଣେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ତା ପୁଣି 95% ପୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପୁଣି ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କହୁଛନ୍ତି କାଗଜରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲିଟର କିରୋସିନରୁ 400-300 ଗ୍ରାମ କିରୋସିନ ବଳେଇଛି, ଆଉ 400-500 କିରୋସିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ 600 ଗ୍ରାମ କିରୋସିନରେ ଜଣେ ପୁରା ଶରୀର ତାଙ୍କର ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ଦେହରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜି ଥିଲା, ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜି କେମିତି ଏତେ ଜଳିଲା ଯେ ପୁରା ଦେହ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଏବଂ ଜଣେ 95% ଜଳିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଲା? ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଚକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଇଏ ରୋଚକର ତଥ୍ୟ ହିଁ ପୁରା ଖୁଲାସା କରୁଛି ଯେ ୟା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, DFO ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ, ୟା ପରେ ବି ଯଦି ବାପା ମା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିକରି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହିଁ ବାଟ ନାହିଁ। ମାଧୁରୀ, ବିଲକୁଲ ସନ୍ତୋଷ, ଏ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, କରୋନା ମହାମାରୀର ତୃତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଘୋର ଅଭାବ ଥିବା ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ। କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 52.70% ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 8000ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 4595 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବିଷୟ ହେଲା ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନଥିବାରୁ ତୃତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ବିଜେପି ମହିଳା ଟିମ୍, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ମେଡିକାଲରେ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ବହୁ କମ୍ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଅନେକ ମେଡିକାଲରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସିଠାରେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କେବଳ ରାୟଗଡ଼ା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ତୃତୀୟ ଲହର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟରେ ଦରକାର ଥିବା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସରକାରୀ ହିସାବରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଜ୍ ଅନ୍ 1/3/2021। ଇଏ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା 8719 ଥିବାବେଳେ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4595 ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆକୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେସିଓରେ ନେଇକି ଆର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖୁଛୁ, ହାରାହାରି 53%। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ତାରିଖ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। କରୋନା ପରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା ଉପନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଆସନ। ଆଉ ଏବେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, କରୋନା ପରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା ଉପନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପୁରା ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁ, ନିଶ୍ଚୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆମେ କହିପାରିବା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ କେବେ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା। କାରଣ 2ରୁ 3ଥର ହେବ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ କରୋନା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାରିଖ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଭୋଟ ଗଣତି ଆପଣ ଦେଖିବେ
अक्टोबर 3 तारिखें भोट गणति जहाँ निर्वाचन कमिशन पक्ष तारीख प्रकाश पाई जहाँ नोटिफिकेशन प्रकाश पाई निहाती भाव बड़ कथा आम कहीपर प्रथम जानते आप जो प्रदीप महारथी देहांत है परवर्त समय पिपिली उपनिर्वाचन सरकार घोषणा कले निर्वाचन कमिशन घोषणा कले परवर्त समय कांग्रेस प्रार्थी जी थे अजित मंगराज देहांत होता से स्थगित रखाला और परवर्त समय कोरोना स्थगित रखा यह भाव में पिपिली उपनिर्वाचन स्थगित रखा दुई थर स्थगित रखाइला वर्तमान पुणी थे सानी तारीख घोषणा कराई सेप्टेम्बर 30 तारीख में पिपिल उपनिर्वाचन हम एने निर्वाचन कमिशन आज विधिवत भाव विज्ञप्ति प्रकाश कर पिपिली उपनिर्वाचन पुणी थे सरगरम होगा जाऊँगी राजनीति आम कहीपर कारण पंचायत और पौर निर्वाचन आगक अच्छी आखि आगे अच्छी यहाँ पूर्व पिपिल उपनिर्वाचन निहाती भाव में समस्त सब दलपाई गोटे टर्निंग पॉइंट हेबो एवं विशेषकर शासक दल जेहेतु से शासक दल जीति शासक दल से आसनटी थी निहाती भाव शासक दल चाहिए से आसन को विजय लाभ करने अंपटे बीजेपी से दबदबा रही बीजेपी जे प्रार्थी रही आशित पट्टनायक बेस भोट से अंचल रही निहाती भाव जो भोट बैंक रही केन्द्रको बीजेपी से जितना को विजय मुकुट पिंधा चाहिए अंपटे कांग्रेस जेहेतु अजित मंगराज पर स्थान को नुआ प्रार्थी देता और सेठी किसी कंदल रही कांग्रेस जहाँ चर्चा आलोचना हो विषय में बीजेपी नेता मान जो अच्छा प्रतिक्रिया ना जे कौन रही पिपिल उपनिर्वाचन नहीं प्रस्तुति रही है और किभली प्रस्तुत अच्छे पिपिल उपनिर्वाचन और 30 तारीख जेहतु निर्वाचन घोषणा हो सारी मैटर कि प्रचार करेंगे इलेक्शन कमिशन जहाँ आमको दायित्व देते से दायित्व उपनिर्वाचन जब हुए आपको आशा पट्टनायक बहुत दबदबा रही दल के आशावी रही देखो निर्वाचन उलेक्शन निर्वाचन फलाफल किसी दिन पर 5-7 दिन पर आशीष पट्टनायक दायित्व करुले विरोधी दल हिसाब से जहाँ तार दायित्व करवा कथा से दायित्व निभाऊला और लोक मान आक्रोश अच्छी जो भाई भाव में फनी बात्यार क्षतिग्रस्त लोक मानक आज पर्यटन घर मिलनी से लोकंर प्रबल आक्रोश अच्छी विजु जनता दल प्रति तेनाली रिफ्लेक्ट कर इलेक्शन में निश्चित भाव रिफ्लेक्ट कर निश्चित भाव में आम से भी प्रस्तुत थी या पूर्व जो निर्वाचन होता से प्रस्तुत थूँ आपण मैंने निश्चित से कवर करते लोक आक्रोश कथ आपलिए लोक मैंने प्रश्न करुले विजु जनता दल जो नेता जाते से प्रश्न करुले से घर देखते कौली अवस्था से घर देखुले जिते दुईमास पुणी इलेक्शन होेणु लोक मान जो आक्रोश से एवं बलवत्तर रहिबो एवं निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी से जयुक्त हम निश्चित भाव में देखो जो भाया आपणकर कोविड नियम मानिकिना आम आशीष पट्टनायक केवल ये दुई मस नुह सी आपको कहली जो निर्वाचन जो हारी जाइए 2019 मसीह बोधे 5-7 दिन पर तार प्रस्तुति आरंभ कर देता तेणु सी सब बड़े गरीब लोकों पाखे थी लोक मान सहायता करुला जिनसटा ये इलेक्शन में निश्चित भाव में रिफ्लेक्ट हो निश्चित भाव में प्रति इलेक्शन टर्निंग पॉइंट बोली भावंतु तेणु बीजेडी को यदि आम परास्त कर निश्चित भाव में आमपाई गोटे आग को भविष्य को बहुत भल हम विरोधी दल माधुरी आप शुणुले ब्रह्मगिरी विधायकों प्रतिक्रिया शुणुले आपड़ कि भाव से कौन यह हूँ गोटे टर्निंग पॉइंट हेबो एवं बीजेपी एटी विजय मुकुट पिंधि शासक दल को बाजिमात देव बाठी गोटे चेक दबो एवं आगक जो भाव में पंचायत पौर निर्वाचन रही पूर्व यह गोटे बड़ विजय हम बीजेपी बोली निजे ब्रह्मगिरी विधायक कहते आउ गोटे बड़ कथ हूँ आप कही रखा चाहिए आशित पट्टनायक पिपिली अंचल बेस दबदबा रही 2019 निर्वाचन में से बहुत कम भोट व्यवधान में जयरण करते प्रदीप महारथी जहाँ को नहीं बीजेपी आशावादी अच्छी एथर निश्चित भाव में बीजेपी से विजय मुकुट पिंधि और कांग्रेस जो भोट बैंक रही कांग्रेस भोट बैंक जेहेतु से कमी कांग्रेस भोट बैंक को जदि आयुध कराए जदि बीजेपी से फायदा ने क्योंकि आशित पट्टनायक गोटे बड़ भोट बैंक प्रस्तुत हो पार और पिपिलीर जो विजय मुकुट आशित पट्टनायक पाखक जाए गोटे पक्का करुँच बीजेपी विधायक मैंने किभली भाव में जो पिपिल उपनिर्वाचन जदि हुए
हुए 30 सेप्टेम्बर में से ही समय बीजेपी विजय लाभ कर शासक दल को प्रथम थर पर ये चेक दब ए जो रही पूरा प्रसंग यहाँ भितर सबुठ बड़ कथा सामना को आसूँ फनी दुर्नीतिर जो विभिन्न प्रसंग रही नहीं पिपिलीर लोक भितर आक्रोश बढ़ी एक निजे ब्रह्मगिरी विधायक कहते पिपिलीर लोक भितर आक्रोश बढ़ी फनी अनियमितता होनेक दुर्नीति से मेकअप करना विभिन्न समय जो सरकार दल नेता मैंने अधिकारी मैंने नेता मैंने समय पिपिलीर लोक मैंने प्रश्न करनी समय जो टाँचा आसला जो घर आसला से कड़े गला कहीं मिलना कहते लोकों गोटे पटे शिकार होता मंत्री मान ये सब भितर राजनीति बेस सरगरम होने दंभक्ति प्रकाश कर नेता मंत्री मैंने दंभक्ति प्रकाश कर तृतीय लहर कोविड कटक ये राजनीति ये निर्वाचन किभली हम कौन आशा कर देखो निश्चित निर्वाचन कमिशन सबु प्रकार स्थित को अवलोकन करापर विभिन्न विशेषज्ञों सह आलोचना विचार विमर्श करापर एक एक निष्पत्ति नहीं जदि तृतीय लहर संभाव्य तृतीय लहर आग को आसवा रही कि एपर्तंत से भाई स्थित आम देश में उपजी ना बा राज्य उपजी ना कि स्थित समस्त कोविड कटक यो प्रचार मैदान को ओह्लबार आवश्यक रही तो निश्चय भिन्न कथा कितु जहाँ बर्तमान सब बड़ कथा कहींपर पिपिली उपनिर्वाचन पुणि थे राज्य राजनीति सरगरम हो पुणि थे राजनैतिक मैदान को नेता मंत्री ओल्लबे और कोविड कटक भितर ओल्लबे जहाँ निर्वाचन कमिशन निर्देश रही कोविड कटक भितर निर्वाचन करमती पूर्वर निर्वाचन को कोविड कटक भितर कराला मास्क पिंधुले सानिटाइजेसन कराला बूथ कम लोक रखा जाए प्रसंग को समस्ते मानवे और राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ स्पष्टोक्ति देवे कि भाव राज्य में जो पिपिली उपनिर्वाचन हम से समय कोविड गाइडलाइन उल्लंघन न हो आउ गोटे कथ आपही रखी निहाती भाव में पंचायत और पौर निर्वाचन पूर्व पिपिली उपनिर्वाचन प्रति दलपाई गोटे टर्निंग पॉइंट हम ये जो मानक भल रिजल्ट हम से पंचायत और पौर निर्वाचन में निहाती भाव में से भल फलाफल आसे आशा आशंका करपटे शासक दलपाई यह सबुठ बड़ सम्मान प्रसंग हे कारण शासक दल हाथ में दीर्घ दिन हम पिपिली आसन टी रही आसाला शासक दल जदि से पराजयरण कर तो दिव्य कहीपर जो मोटामोटी उपरे पूरा राजनैतिक दल राज्य तीन प्रमुख दल एकदम प्रस्तुत रही सबूत जी आम पूरा तर्जमा करवा तो समस्त प्रस्तुत रही कथा कहु बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य आपंकर तमाम सूचना समय सारी बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।